भगवान राम का मंदिर बना, कोर्ट ने निर्देश दिया, राजीव जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ताले खुलवाए, जब अवसर कांग्रेस को मिला। हमने हर बार कहा कांग्रेस पार्टी की नीति थी जो कोर्ट कहेगा वो सबके लिए सर्वमान्य है। ये एक बार नहीं कहा, हजारों बार कहा। जब कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर वहां बनेगा तो जो विपक्ष का पक्ष था उसमें से भी एक व्यक्ति ने, किसी ने ये नहीं कहा, कोर्ट के निर्णय को सबने सर्वमान्य में लिया। मतलब इस देश की मूल धारा क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए। और जैसा मैं बोल रहा हूं इसी आवाज को इसी ताकत से इसी भाव से बोलना चाहिए। हमें बीजेपी भी देखो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर अल्टीमेटली चुनाव नहीं जीत पाते, ये तो मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें जो कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा करना है। मैं अध्यक्ष बना, इससे पहले मेरे पहले भी सब अध्यक्ष बने थे, पर हम पास नहीं हुए। मतलब कुछ बदलाव की आवश्यकता तो है या नहीं है, कुछ नयापन लाने की आवश्यकता तो है कि नहीं है, तो नई और युवा पार्टी बनाने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो मेरा आप सब सहयोग करो, पार्टी का सहयोग करो, हम सबका सहयोग करो। मेरा बस इतना ही अनुरोध है आप सबसे कि राम का मंदिर बना, भगवान साधु आ, पर अब राम के भक्तों का तो कुछ नरेंद्र मोदी करे। वो राम के भक्त जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनका क्या होगा, क्या होगा? जो 10x10 की दुकानें थी जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे शराब की, और मुश्किल से 2000 दुकान पूरे प्रदेश में थी, आज 9000 दुकानें हैं और 200x200 की है कि नहीं है? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और पूरी भरी रहती है। तो ये इतनी शराब पी कौन रहा है? हमारे ही लोग हैं, सब मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, यही युवा साथी है, यहीं के लोग हैं। अरे शराब पीते क्यों है? इसलिए कि दुखी है, परेशान है, नींद नहीं आती, थक जाएंगे तो सो जाएंगे, दिक्कत है यही है। अरे काय के लिए पीते? तो ये परेशानी इस बीजेपी के कारण तो है। तो ये बात हमें कहने में डर कैसा, कैसा डर? मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी किसान पाटीदार साहब खड़े हुए, अरे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के पहले कहा कि समर्थन मूल्य किसानों को देना होगा। हमारी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार आएगी तो खाद का दाम, बीज का दाम, मजदूरी का दाम, डीजल का दाम, बिजली का दाम, उसमें किसान की मेहनत, इसका सब डाल दो और उससे सीधा दुगना, ये होता है समर्थन मूल्य। और हम आएंगे तो देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? अरे सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अलग से एक शब्द नहीं बोले। फिर किसानों ने आंदोलन किया 3 साल पहले, तो फिर वापस गुरु नानक देव जी की जयंती पे आए वो, और 3 काले कानून वापस लिए, देश से माफी मांगी, और फिर कहा हम समर्थन मूल्य देंगे। जब से आज तक फिर अलग से एक शब्द नहीं बोले। अब राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गारंटी के रूप में किसानों की फसलों के 22 फसलें समर्थन मूल्य स्थापित करेंगे, और हमने जो कहा वो किया। हमने तो कहा था कि भोजन का अधिकार देंगे, गारंटी थी हमने दी। हमने कहा था सूचना का अधिकार देंगे करप्शन के खिलाफ, हमने कहा था कि हम शिक्षा का अधिकार देंगे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम देंगे, हमने किया, कहा वो किया। बीजेपी ने जो कहा वो किया ही नहीं। अभी आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई सब जगह जारी की नहीं। आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ चली गई, कल गई थी वो मलिक साहब के यहाँ, उससे पहले गई झारखंड के उस मुख्यमंत्री को ले गई। रोज पढ़ते हो ना आप लोग, विपक्ष के नेताओं के यहाँ सारी एजेंसियां दौड़ रही। आप लोगों को मैं बता दूं, जरा ये मुंह में जवान लाओ, इन्होंने 6700 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में बांड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया, और उसमें से लगभग 350-350 करोड़ रुपए किससे लिया बताएं? उन कंपनियों से लिया जिनको ईडी की जांच चल रही थी। मध्य प्रदेश की एक भैया, मध्य प्रदेश की एक शराब बनाने वाली डिस्टिलरी, उसके मालिक को अंदर कर लिया और जमानत दे दी, और उससे 35 करोड़ रुपए का बीजेपी के कार्यालय में चंदा ले लिया। ये लोगों को बताओ डरने की क्या जरूरत है, और ये समझा। अरे अभी यहाँ मध्य प्रदेश में आप लोग टोल पे जाते हुए पत्रकार हैं या कौन बोल रहे पत्रकार के हाथों से
चाहते हो तो ये माइक और ये मत ले जाना, और अगर आपको 500 रुपए पार होने के नहीं लगे तो मुझे बता देना आके कि भैया मेरे नहीं लगे। अरे एक गाड़ी से टोल पे मिनिमम से मिनिमम परिवहन विभाग के 500 रुपए लगते। अभी गुना में बस चल गई, बिना परमिट की थी, चल रही थी, रोज दौड़ रही थी, 11 लोग स्वा हो गए, उसके बाद सस्पेंड हो गए। कौन दोषी है आज तक पता नहीं चला। इससे पहले एक बस चल रही थी, 2 साल पहले शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, आज तक पता नहीं चला। उस टोल पे सिर्फ एक टोल पे, पत्रिका अखबार में आया है, एक टोल पे रोज 110 करोड़ रुपए उगाही होती है। 110 नहीं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की उगाही होती है, मतलब पूरे महीने में लगभग 35 करोड़ एक टोल पे। तो भैया ये क्या हो रहा है? अरे ये पहले शिवराज जी थे जिन्होंने 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले। क्या बोले? 30,000 लिखित में विधानसभा में है जो उनने घोषणाएं कर दी पूरी नहीं करी, और 30,000 रजिस्टर्ड, और फिर इधर बहनों से झूठ बोल रहे कि बहना अभी मेरे पास 1,000 ले लेना, और जैसा इंडोला डाला था और चुनाव जीत जाऊंगा और फिर 3,000 दूंगा। बताए किसी और को, शादी किसी और से कर दी। दूसरा आप देखो कि शिवराज सिंह चौहान झूठ और बेरोजगारी के मामा थे, और अब ये नए भैया आए हैं, ये करप्शन, कर्ज और क्राइम के काका है। अब आप देखो, जब से ये आए 30 साल में सबसे ज्यादा क्राइम अभी हो रहा है, 30 साल। ये टोल का करप्शन, अभी अधिकारियों के बदली के रोज पैसे लिए जाते हैं, रोज। जिस दिन लिस्ट आई, मतलब बीजेपी के कार्यालय में पैसे गए तो आई, मतलब दिन भर एक ही काम, करप्शन करना। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री है, कर्ज 15,000 करोड़ रुपए पिछले 60 दिन में कर्ज ले लिया, मतलब 250 करोड़ रुपए रोज, मतलब हर घंटे 1 करोड़ रुपए जो कर्ज ले लिया सर। तो आप समझो कि ये मुख्यमंत्री आया है मोहन काका, इनने कर्ज लियो, क्राइम बढ़ाया और करप्शन करियो। ये करप्शन, कर्ज और क्राइम के काका है, याद रखना, और वो झूठ और बेरोजगारी के मामा थे। आपके मुंह में जवाब आनी चाहिए कि लोगों से बात करो। अरे हम विपक्ष में, हमें जनता ने जनादेश दिया कि भैया आप विपक्ष की पटरी पे रहकर काम करो, फिर हमारा काम क्या है? इनका जो घोषणा पत्र है उसको हम लोगों के बीच में लेके जाए, हमारे विधायक विधानसभा में लेके गए। मैं जहां भी बोलता हूँ इस बात को बार बार बोलता हूँ कि आपने कहा कि मोदी गारंटी है कि 2700 रुपया हम गेहूं का दाम दांगा, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमने जो 3100 धान का दांगा, हमने जो बेल लाकर 3000 रुपए के देंगे, आपने कहा 450 में गैस सिलेंडर देंगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो राम को मंदिर बनी, जो भगवान भी है गया, भगवान राम की पूजा भी कराना, दर्शन भी, पर भक्त ना को कहीं होगा तो पूछो, डर गए बात को। तो यह ध्यान रखने की बात है, और इन सब मुद्दा लगा लिए राहुल गांधी निकले हैं। अरे पूरी सरकार, पूरी मीडिया क्रिटिसिज्म करेगी। मीडिया क्रिटिसिज्म क्यों करा कि पत्रकार ना, अखबार ना, जो जर्नलिस्ट है ये भी रोज देखा, रोज उठती रहा है, इनका महंगाई को मारनी है, इनका जो 125 रुपया को पेट्रोल डीजल लेना पड़ा था, छोड़ा कि नहीं? इन अब देखो, हाँ एयरपोर्ट में जाऊं तो पानी की बाटल आजकल 100 रुपए की, कम सरसों को तेल 100 से ऊपर, किचन आयल मिठो तेल, अपने ये जो मूंगफली का तेल 100 से ऊपर, और अगर कोई आयलो आयल ना उठाओ तो 800 से ऊपर, 1000 से अगर वो शहर वाले खाते। तो मेरा निवेदन इतना है कि पेट्रोल सोको, डीजल सोको, पानी सोको, यो खाने को तेल सोको, असो देश चाहता था अच्छे दिन, जो नया भारत, न्यू इंडिया ऐसा था। तो जर्नलिस्ट, पत्रकार, मीडिया में काम करने वालों, कर्मचारी दोषी नहीं है, बेचारा ने भी तो अपने सब नहीं दिया है, पर मीडिया की जो अर्थव्यवस्था ऐसी है, जो रेवेन्यू सिस्टम ऐसा है कि उसमें बिना सरकार की मदद से ये चल ही नहीं सकती, तो ये सरकार से, सरकार इनकी ग्राहक हो गई, तो ग्राहक को जैसा मालिक कहेगा वैसा करना पड़ेगा, इनकी गलती क्या है बेचारों? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब मीडिया अपना काम नहीं कर पा रही सही, तो फिर कौन करेगा? सोशल मीडिया, ध्यान रखो, एक चलाता आना चाहिए, अपनी बात बताता आना चाहिए, जो हम बोली गया है कोई भी उनकी बात कर घर घर ले जाता आना चाहिए, पर पब्लिक जुड़ा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से, सवाल खड़ा करना से, हमारा काम ईमानदारी से करना से, और कांग्रेस पार्टी जीती जाएगी 500%, हरी नहीं सकती।
कब? जब हर पंचायत में कांग्रेस का संगठन बने, बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव की मशीनरी बने और हमारा परिवार का लोग ना कर जैसे बीजेपी को एक कार्यकर्ता रहे, जो अच्छा ही है बीजेपी की सभी सीख, एक कार्यकर्ता मजूरी करना मंडा था, पांच छह का ही नहीं करते हो, करे कि नहीं, सही है गलत है? अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप गांव गांव निपटते हो ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे जैसे बन, मैं जब ये पांच दस रहते हैं और मैं बोलता हूँ तो मैं उत्साह ही रहता हूँ जैसा, तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छो युवा संगठन बनाएगा, नया संगठन बनाएगा, नया बच्चा ना के जगह मिलनी चाहिए, अच्छो संगठन बनाएगा, हमारो केडर बेस्ट संगठन बूथ पर गांव में बढ़ा, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि जरूर आप लोगों को मेरा बोलने का जो भाव है वो थोड़ा रफ होगा, पर मेरी जो भावना है वो पवित्र है, हमारा दायित्व है, हम लोगों का जो काम है विपक्ष का, मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, तो हमें उस हिसाब से उसको पूर्ण करना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सरकार बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी, जिसमें बॉन्ड में 6,000-7,000 करोड़ रुपए लिए, ये तो दिखते हैं, पर इससे 5,000 गुना लिए वो दिखते नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई ने काले धन का उपयोग किया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया, याद रखो इस बात, इससे ज्यादा किसी पार्टी और किसी नेता ने नहीं, ये सच्चाई है और इसको बोलने में कभी नहीं डरना चाहिए। काला धन, मैंने जैसा कहा कि जिन लोगों को ईडी का नोटिस दिया और उन्हीं से चंदा लिया, तो ये काले धन का स्वरूप नहीं है तो क्या है? अरे टोल पे अगर 1,10,00,000 रुपए रोज निकलते हैं तो काला धन नहीं है तो क्या है? ये कह रहे थे कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख बांटेंगे, इनने काला धन लिया और खुद रख लिया और चुनाव जीत रहे उससे, ये तो बताना पड़ेगा, इससे डरने की क्या बात? तो आप कितना बताओ, राहुल गांधी जी की यात्रा में जोश सा उनको स्वागत होगा कि नहीं होगा? जोश सा बोलो, होगा कि नहीं होगा? धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज सहारनपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी साथियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित स्थानीय सभी नेतागण उपस्थित थे। बता दें कि देश में निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस भी सक्रिय है। आगामी दिनों में यात्रा का मध्य प्रदेश में प्रवेश होना है। इसकी तैयारियां परखने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहारनपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि दोगुनी ऊर्जा से राहुल जी की इस यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम सबको जुट जाना है। कार्यकर्ताओं को याद रखना है कि जो पार्टी का कार्य पूरी लगन से करता, वही है असली कार्यकर्ता है। पटवारी ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री बेरोजगारी और झूठ के मामा थे, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कर्ज और क्राइम के काका बन गए हैं। 2 माह में प्रदेश में इतना क्राइम हुआ है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में जो वादा करती है वह पूरा नहीं करके लोगों को धार्मिक और भावनात्मक रूप से चुनाव में धकेल देती है। लाडली बहना, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी सहित तमाम वादे भाजपा ने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए हैं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने वाले कुछ लोग आज संघर्ष के दौर में पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से भाजपा संपर्क करती है और उन्हें ले लेती है, लेकिन हमारे लिए सम्मानित वो लोग हैं जो अपने छोटे से व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ निडर होकर कांग्रेस की विचारधारा के लिए डटे हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है।